अस्सलाम वालेकुम बिनूस किचन। बिनूस किचन में आपका वेलकम है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम आपको सिखाएंगे चिकन पुलाव। चिकन पुलाव की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है, एम्प्टी बोल। उसमें मैं 2 से 3 गिलास राइस ऐड करूँगी। एटलीस्ट फॉर हाफ आवर मेक श्योर चावलों को आप अच्छे से धोकर भिगोएं। पुलाव में जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उसमें 1 kg चिकन है। चिकन में मैंने बोनलेस और हड्डी दोनों वाला यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ से 2 से 3 अदद चॉप्ड ऑनियंस लिए हैं स्लाइसेस की फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 से 2 अदद चॉप्ड बारीक टमाटोज लिए हैं। एक चम्मच चॉप्ड गार्लिक है, 1 चम्मच चॉप्ड जिंजर है, 1 चम्मच चॉप्ड ग्रीन चिलीज है। मसाला में मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले यूज़ किए हैं, जिसमें 2 अदद तेज़पात है, 1 नटमेग जिसको आप जायफल कहते हैं, 2 चम्मच रेड चिली पाउडर है, 3 से 4 ग्रीन कार्डेमन है, सब्ज इलायची है, 1 चम्मच हल्दी है, 2 सिनेमन स्टिक्स हैं, 2 चम्मच ज़ीरा है, 1/2 टेबल स्पून सौंफ है, 8 से 12 अदद साबित काली मिर्च हैं, 1 चम्मच साबित धनिया है, 2 चम्मच मैंने पिंक सॉल्ट यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने एक पैन को पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पर। इसके बाद हम यहाँ पर इसमें कुछ ऑयल ऐड करेंगे, 3 से 4 बड़े चम्मच। मेक श्योर कि जब भी आप राइस बना रहे हो ऑयल अच्छी क्वांटिटी में ऐड करें, उससे राइस खिले खिले और अच्छे बनते हैं। ऑयल को अच्छे से हीट आने के बाद इसमें हम अपने ऑनियंस ऐड करेंगे और हम इनको वाइट लाइट सा 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अगर आप पुलाव को थोड़ा सा ब्राउनिश टच देते हैं तो आप अपने प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कलर में लाएंगे। अगर आप वाइट पुलाव पसंद करते हैं तो आप प्याज़ों को वाइट कलर में रखें। प्याज़ों को यहाँ पे लाइट गोल्डन फ्राई करने के बाद इसमें मैं ये चिकन यूज़ कर रही हूँ। चिकन को अच्छे से फ्राई होने दें। 8 से 10 मिनट के बाद आप इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें मैं ये मसाले ऐड करूँगी। साबित मसालों के बाद जो मैंने कुछ टमाटर और अदरक लहसुन मिर्चे काटी थी उनको मैं ऐड करूँगी और इन सबको मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकाने के बाद दम पर रख दूँगी। मसाले को अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसमें कुछ पानी ऐड करें। मसाला को अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें आप अगर 3 गिलास चावल है तो आप 4 गिलास पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये पुलाव है। बिरयानी का प्रोसीजर अलग था, उसमें आप चावलों को बॉईल करके पानी फेंक देते हैं, लेकिन पुलाव के केस में आपको पानी के अंदर ही चावल पकाने होते हैं, इसलिए आप जितने गिलास चावल के लेते हैं उतने गिलास पानी लेते हैं। बहुत हो तो आप आधा या 1 गिलास ऊपर डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर डालेंगे तो चावल टूट जाएंगे। पानी को अच्छे से बॉयल आने दें। चिकन में पानी ऐड करने के बाद इसको हाई फ्लेम पर कवर करके रख दें अंटिल के इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाए। पानी को अच्छे से बॉईल आने के बाद इसमें मैं कुछ सिरका और दही ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरे पास 5 से 6 टेबलस्पून दही की हैं। दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा इंस्टेड ऑफ कि इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाए। उसके बाद मैं कुछ सिरका ऐड करूँगी, तो मेरे पास 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर रही हूँ। इट्स मोर देन एनफ खटास लाने के लिए। इसके बाद मैं चावलों को खिला खिला पकने के लिए इसमें 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज ऐड करूँगी। पानी में जब यूँ बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो इसमें मैं सोफ्ट राइस ऐड कर दूँगी।
चावलों को मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर रख दूँगी एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए। आपने राइस को 3-4 कुक करना है। अगर 4x4 कुक करेंगे तो वो चावल दम आते तक गिर जाएंगे, इसलिए आप मेक श्योर करें कि चावलों को ओनली 3/4 कुक करें। आप वक्फे से चेक कर सकते हैं अपने दम को खोलकर, ताकि आपको चावलों का अंदाज़ा हो। मैंने यहाँ पर कुछ इमली के सीड्स सोक करके रखे हुए थे, उसका पल्प, और अगर आप चाहें तो उसके सीड्स ऐड करें, अदरवाइज़ आप नहीं भी डाल सकते, ये ऑप्शनल है। मुझे पसंद है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको डालकर आप अपने चावलों को एक लाइट सा मिक्स देंगे। इसको आराम से मिक्स देने का मतलब मकसद ये होता है कि आपके चावल चूँकि इस टाइम बहुत ही नज़ाकत से कुक हो रहे होते हैं, तो उनका टूटने का ख़दशा ज़्यादा होता है, इसलिए इनको लाइट सा मिक्स करने के बाद इनको लो मीडियम फ्लेम पर हल्का सा कुक होने दें। 5 मिनट्स तक इनको कुक करने के बाद आप इनको दम पर लगा सकते हैं। चावलों को यहाँ दम देने से पहले इसमें मैं कुछ स्लाइस्ड ऑनियंस, 1-2 टेबल स्पून हरा धनिया या साबित धनिया का पाउडर, इसके अलावा 2 चम्मच मैंने बिरयानी मसाला यूज़ किया, इन सब को मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। इसके बाद मैं इसे दम पर लगा दूँगी। 5 से 10 मिनट लो मीडियम फ्लेम के दम के बाद आप चूल्हे को बंद कर सकते हैं। पुलाव के साथ ग्रीन चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, जिसमें कुछ हरा धनिया है, कुछ पुदीना है, 1 चम्मच टमाटर है और 1 चम्मच सादी सब्ज लाल मिर्च है। इसमें मैं 1 चम्मच सिरका ऐड करूँगी। इसके अलावा इसमें मैं 1 चम्मच या 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड करूँगी और 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। इन सबको मैं एक ब्लेंडर में डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इनको मैं दही में ऐड करके रायता चटनी के तौर पर सर्व करूँगी। मज़ेदार ग्रीन चटनी रेडी है। इट्स टाइम टू डिश आउट। मैंने दम से पुलाव को हटा दिया। चावलों को अच्छे से मिक्स करें। आप देख सकते हैं कि चावल कितने अच्छे से कुक हुए हैं और एक साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं। मैं आपको इनकी विस्कोसिटी दिखाती हूँ। ये देखिए, चावलों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको डिश आउट करते हैं। आप पुलाव का कलर और इसका टेक्सचर देख सकते हैं, और कोई भी चावल साथ में अटैच नहीं हुआ है, जुड़ा नहीं है, सब बिल्कुल खिले खिले हैं। इसकी रीज़न ये है कि एक तो हमने पानी जो है वो हसबे जायका इस्तेमाल किया था, एक्सेसिव वाटर यूज़ नहीं किया, जितने गिलास चावल थे उतने गिलास पानी, और चिकन को मैंने ऑलरेडी अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो चलिए आए इसको डिश आउट करते हैं। मज़ेदार चिकन पुलाव सर्विंग के साथ रेडी है। यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी, थोड़ा सा सैलड और पुलाव को सर्व किया है।